सलमान खान और अक्षय कुमार बॉलीवुड के दो बड़े सितारे हैं और इनके अभिनय का जलवा पूरी दुनिया में कायम है। हाल ही में फोर्ब्स पत्रिका ने साल 2018 में सबसे अधिक कमाई करने वाले एक्टरों की लिस्ट जारी की है। आपको बता दें कि फोर्ब्स की इस लिस्ट में अक्षय और सलमान ने बॉलीवुड और हॉलीवुड के कई एक्टर को पछाड़ते हैं। टॉप 10 में अपनी जगह पक्की कर ली है। अक्षय कुमार $40.05 मिलियन की कमाई के साथ सातवें नंबर पर और सलमान खान $38.5 मिलियन की कमाई के साथ नौवें नंबर पर है। आपको बता दें कि अक्षय कुमार ने टॉयलेट एक प्रेम कथा और गोद जैसी सुपरहिट फिल्में दी हैं। वहीं सलमान खान की सुल्तान, बजरंगी भाईजान और टाइगर जिंदा है जैसी कई सुपरहिट फिल्में हैं। आपको बता दें कि अक्षय कुमार की पहली फिल्म दीवार थी, जिसके लिए अक्षय को केवल ₹5,000 मिले थे और इस फिल्म में अक्षय कुमार का रोल बस कुछ ही सेकंड का था। लेकिन 2018 में अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड रिलीज हुई, जिसके लिए उनको ₹55 करोड़ की फीस मिली है। सलमान खान को अपनी पहली फिल्म मैंने प्यार किया के लिए ₹35,000 की फीस मिली थी। लेकिन 2018 में सलमान खान की फिल्म रेस 3 रिलीज हुई थी, जिसके लिए सलमान खान को ₹60 करोड़ की फीस मिली थी। इसके अलावा सलमान खान ने इस फिल्म का 35% प्रॉफिट भी लिया था।